दिख्या हर हर महादेव। फाइनली 15-20 मिनट के इंतजार के बाद रास्ता खुल गया है। यहाँ पे ना भाई एक ऐसी घास पाई जाती है जिसपे से ना भाई जो हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं ना धूप की खुशबू आती है नेचुरल। ये है वो पौधा उल्टी सीधे मसूम बेहोश हो जाए। कशिश ना उल्टी सीधी चीजें सूंघे जा रही है, पता चल रहा है बेहोश होगा यहीं पे। गोकुल धूप है ये, ओम पर्वत मिलती है। हम जा रहे हैं अभी ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए, है अपना नाभी ढांग। यहाँ से आगे आप लोग को नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसी जगह पे आना भाई अपने आप में भाई सौभाग्य की बात है यार। यार गाड़ी वाला बंद हो रही है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग हैं अभी गुंजी में और वापस आ गए हम लोग कल आदिकलाश्री के दर्शन करके और हम लोग जा रहे हैं आज ओम पर्वत। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30, हम लोग काफ़ी लेट हो गया। हम लोग ने सोचा था आज सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, लौट तो हम लोग 4 बजे गए थे, लेकिन भाई बारिश लगी ना रात भर और अभी तक मौसम नहीं खुला हुआ है। वो देखो मेरे पीछे आपको दिखाता हूँ, मौसम बिल्कुल खतरनाक हो गया भाई। ऊपर चारों तरफ बादल ने कवर कर रखा पहाड़ों को पूरा। हम लोग ने इस बार ओम पर्वत को कैंसिल करने वाले थे, लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि किस्मत अच्छी हो गई हमारी कि आगे देखो अभी धूप भी लगनी लगी है हल्की हल्की, लेकिन बारिश जो है कभी भी लग सकती है, बादल ऊपर लगा हुआ है और ओम पर्वत के दर्शन जो है हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। मतलब हम लोग बस ये है कि किस्मत के ऊपर जा रहे हैं, अब भगवान ने दर्शन दे दिए तो दे दिए, वरना फिर अगली बार कभी आएंगे। और जोकर क्या कर रहा है, चले? चलो लेट हो गया यार थोड़ा, आ जाए बारिश की वजह से। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जल्दीबाजी टेंशन मत रखना दिमाग में कि लेट हो गए जल्दी चलो, आराम से जाएंगे आराम से आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास दिन है अभी। क्यों सब जल्दीबाजी मत करना कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी करो क्यों रुक गए, ऐसा मत करना बिल्कुल। भाई मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले ग्लव्स लिए हैं बारिश में पहनने के लिए, ये पूरे वाटर प्रूफ हैं, रबड़ के शू मतलब ग्लव्स हैं, पानी नहीं जाएगा इनके अंदर बिल्कुल भी, तो हम लोगों ने ले लिए हैं ताकि हम लोगों को ठंड न लगे उंगलियों में। तो निकलते हैं फटाफट, सामान पैक कर दिया, सामान सारा हमने अंदर रख दिया है अपने होम स्टे में, आके ले लेंगे हम वापस में। वी आर ऑल सेट टू गो, हम लोग चल रहे हैं बस यहाँ से। रात भाई मैंने ना बैटरी के तार निकाल दिए थे करके, क्योंकि यार भाई अगर फिर से गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती ना तो दिक्कत हो जाती, तो मैंने रात जब बाइक के बैटरी के तार निकाल के अभी सुबह ही लगाए हैं। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से ओम पर्वत की ओर। बोल शंकर भगवान की जय, निकले जय शंकर महादेव। अभी यहाँ पे आगे एक चेक पोस्ट आएगी जो ओम पर्वत के लिए हमारा चेकिंग करेंगे, हमारा इनर लाइन परमिट और वो दिखाना मैंडेटरी होता है अगर आप जा रहे हो आदि कैलाश की यात्रा पे या फिर ओम पर्वत की तरफ, वो जरूरी होता है। आगे है आर्मी कैंप, तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि सामने ही है बिल्कुल। तो आर्मी कैंप से तो हम लोग आ गए 100 मीटर आगे, और यहाँ पे पता है SSB और ITBP दोनों रहती है, और यहाँ की जो लोकल ग्रिप है वो भी यहाँ पे मतलब परमानेंट है, बाकी के जो अभी आर्मी है ना वो टेम्प्रेरी बेसिस पर रहती है यहाँ पे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल मालूम किया था ना अपने फौजी भाई से, तो वो बता रहे थे यहाँ पे भाई काफ़ी सिक्योरिटी है यार, क्योंकि अपना ये जो इलाका है ना चाइना और तिब्बत के बॉर्डर पे लगता है ना, तो उसके चक्कर में ना यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी है। और अब हम लोग जो जा रहे हैं ना ये गुंजी से अपन लोग ओम पर्वत वाले रास्ते पे जा रहे हैं, तो इधर ना अपने राइट साइड में पड़ता है नेपाल, और अपने जो आदि कैलाश की तरफ गए थे ना तो उधर राइट साइड में पड़ रहा था चीन। तो दोनों ही लोकेशन भाई अपने आप में अजीब मतलब अलग ही है यार, अलग लेवल का एक्सपीरियंस देती हैं। तो हम लोग यार आज सुबह ना भाई 5 बजे उठ गए थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा जल्दी निकल लेंगे करके, तो इस चक्कर में आज जल्दी उठे तो भाई बारिश ने देर करवा दी। कल हम लेट उठे तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने खुद लेट कर दिया। रेनकोट हम लोगों ने सभी ने पहन लिया है ताकि बीच में कभी हल्की फुल्की बारिश लगे तो रोकने ना पड़े गाड़ी। यहाँ के लोग कह रहे थे भाई कि ओम पर्वत का रास्ता ना भाई बहुत ही रोमांचक भरा है, मतलब सीनिक व्यूज काफ़ी हैं, अच्छा लगेगा जाते हुए रास्ते में, काफ़ी ख़तरनाक व्यूज़ हैं भाई, मज़ा आएगा मतलब बाइक चलाने में भी। कह रहे थे कार से जाओगे तो उतना व्यूज़ नहीं दिखेंगे, बाइक से भाई ख़तरनाक व्यूज़ दिखेंगे। ये तो बड़ा ख़तरनाक लैंड स्लाइड जोन है यार, जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। भाई कौन कहता है भाई आदि कैलाश आसान है, कहना मत कभी भी आदि कैलाश आसान है भाई, बहुत ही खतरनाक है यार भाई साहब, रोमांचक भरा सफ़र, एडवेंचर, पूरा राइड एडवेंचर है भाई। आपको कहीं भी ना ऐसी रोड नहीं मिलेगी आपको जो आप भाई गाड़ी भगा सको, बीच बीच में मिल सकती है लेकिन वो ज़्यादा लंबा पैच नहीं होगा, होगा मुश्किल से 50 से 100 मीटर का बस। सामने वाली पहाड़ी देखो यार गाइस, कितनी खूबसूरत लग रही है यार, वाओ भाई इस रोड पर यार व्यूज वाकई में खतरनाक है यार भाई, जबरदस्त यार। पेड़ मतलब पेड़ तो है ही नहीं पहाड़ी पे, देखो पेड़ तो है ही नहीं, नीचे भी देखना पड़ रहा है यार कहीं गिर जाए, वो ऊपर ओए होए बड़ी खूबसूरत लग रही है पहाड़ी। पानी ऊपर से कहाँ से आ रहा है, नाला है क्या ऊपर कोई,
लग तो ऐसे रहा, बोल रहा था ना कि ऊपर एक नाला है, शायद नाला ही आ गया वो वाला। अरे बेटे गीली पत्थर हो रही है ना भाई, तो गाड़ी का टायर बहुत स्लिप कर रहा है यहाँ पे, और वैसे भी मेरा अगले वाला टायर ना यार चेंज होने को हो गया है, ऑफ रोडिंग वाला डलवाना पड़ेगा मुझे अगली बार, क्योंकि वो ना टायर भाई बिल्कुल ना ख़त्म ही है बिल्कुल, मतलब 2000 किलोमीटर और ही चल पाएगा मुश्किल से बस, वही प्लेन रोड पर, ऐसे रोडों पर नहीं। उस चक्कर में यार टायर ना और ही फिसल रहा है, तो बड़ा सोच समझ के चलानी पड़ रही है गाड़ी। और ये पत्थर भाई इतने लगे हुए हैं, कल वाली आदि कैलाश वाली रोड पे तो भाई मतलब वहाँ पे ना पक्का रोड मिल गया था हमें कई किलोमीटर तक, 8-10 किलोमीटर तक, इस पर तो यार बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, इस पर तो है ही नहीं कहीं से दूर दूर तक कोई मतलब डामर पड़ी हो, सारे पत्थर ही पत्थर हैं, और ख़तरनाक है भाई ख़तरनाक वाली रोड पर चलानी पड़ रही है गाड़ी। साथ में बह रही है काली नदी, काली नदी जो आ रही है अपनी लिपू लेक दर्रे होते हुए। भाई रास्ता देखो, आप आना चाहोगे इस रास्ते पे? सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है यहाँ पे होती है बस। अरे भाई लूज पत्थर है यहाँ, बहुत जल्दी फिसलता है टायर यहाँ पे लूज पत्थरों में। ये देखो रास्ते ऐसे हैं भाई कुछ खतरनाक खतरनाक से, हनी भाई ला रहे हैं अपनी गाड़ी अब, वैसे गाड़ी ना स्लिप कर रही है बारिश की वजह से ना, कीचड़ हो गई यहाँ पे। यस कमॉन कमॉन ले आओ ले आओ भाई। ये ना गुंजी से 18 किलोमीटर पड़ता है अपना नाभी डांग, और नाभी डांग तक भाई अपने को ऐसी ही रोड मिलने वाली है, कच्ची पक्की कच्ची पक्की, और पक्की तो खैर क्या ही मिलेगी, मतलब पत्थर मिलने वाले हैं पूरे रास्ते पे, और थोड़ी बहुत अच्छी रोड ना यार आदि कैलाश वाले रोड पे तो मिल गई थी, यहाँ पे तो यार बिल्कुल नहीं मिल रही यार, हमें ऐसी चलानी पड़ रही है गाड़ी 10-20 की स्पीड में। देख रहे हो यार कितनी खतरनाक एडवेंचर राइड हो रही है हमारी ये वाली। ओए होए भाई चढ़ जा भाई, स्टीप चढ़ाई है भाई, कैमरे में इतनी डिग्री होगी भाई, लेकिन खतरनाक है यार चढ़ाई। देखो पूरे में पत्थर ही पत्थर लगा हुआ है रास्ते में, ये देखो ना बंदा ना बंदे की जात, ऐसा रास्ता है भाई ये। अच्छा ये आ गई भाई वाटर क्रॉसिंग जो बता रहे थे भाई, कह रहे थे कि एक ही वाटर क्रॉसिंग पड़ेगी रास्ते में, तो वो ये वाली है यार। वो कितना अच्छा लग रहा है यार पानी आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आ रहा पानी ऊपर से, वो देखो। आओ तुम पीछे पीछे आओ, सही से पकड़ के बैठना कशिश। पत्थर यार बड़े छोटे पत्थर हैं और ऊंचे नीचे पत्थर हैं, फंसे ना मस्त यार। अरे बाप रे फंस गई, अरे निकल गई, अरे बड़े धुआं कहाँ से निकल रही है, अरे साइलेंसर में भर जा रहा होगा ना पानी, वो धुआं फेंक रहा होगा। अरे बेटे अरे 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 खतरनाक था यार ये तो, देखना एक बार साइड से लेके आ। बढ़िया 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 आ जाओ। ये पूरा रास्ता गुंजी से लेके नाभी डांग तक ऐसे ही मिलने वाला है हमें, और नाभी डांग से आगे हमें जाने नहीं देंगे क्योंकि आगे चाइना बॉर्डर है। जंगली घोड़े लग रहे हैं वो इतने, है ना? हाँ क्योंकि यार बड़े तगड़े अजीब से घोड़े हैं यार इनकी शेप ना। काली माता का मंदिर आ गया भाई, देखो भाई काली माँ का मंदिर आ गया, यहाँ पर लिखा रहो काली माता मंदिर, इन्हीं के चरणों से होके जो पानी आता है ना, तो उसी की वजह से ये नदी का नाम पड़ा है काली नदी। जड़ से उखाड़ने पर 5000 रुपये का जुर्माना है भाई। यहाँ पे ना भाई पमा धूप करके ना कुछ होती है पहाड़ों में ना, उसको उखाड़ना नहीं होता, मतलब वो धूप ना अपने जो अपने पूजा के काम में लेते हैं ना धूप, बिल्कुल उसी की खुशबू देती है वो, जो हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं। पार्किंग किधर है? पार्किंग नीचे ही है भाई, पार्किंग में लगा देते हैं गाड़ी। उतरो। काली नदी जो बनती है ना, सिर्फ काली नदी कहते हैं इसको, वो यहीं से पानी आता है, काली नदी बन के निकलता है आगे। फिर चलते हैं ऊपर। भाई ये जगह ना, ये जगह तो भाई मस्त है, यहाँ पे आए तो ये जगह नहीं देखी तो फिर मतलब यहाँ पे आना बेकार ही एक तरीके से मानते हैं, क्योंकि काली माता का मंदिर और यहाँ पे काली माता के दर्शन करना मतलब एक सौभाग्य की प्राप्ति जैसा माना जाता है। तो अपन जो चलते हैं अंदर काली माँ के दर्शन करके आते हैं, जहाँ से काली नदी का उद्गम स्थल भी कहते हैं इसको, क्योंकि काली माता का जो मंदिर है ना उसके नीचे से ही पानी बहता है, तो उसको फिर वहाँ से बोलते हैं काली नदी। चलते हैं देख के आते हैं।
जय हो हनुमान जी की। भाई ये है पूरा इलाका अपना, काली माँ का मंदिर है ये, और इसके जस्ट नीचे पहाड़ी में से ना, ये सामने वाली पहाड़ी दिख रही है, इसमें से पानी आ रहा है नीचे की साइड से, मंदिर के बिल्कुल जस्ट नीचे से पानी निकल रहा है। ये देखो यहाँ से निकल रहा है पानी, ये देखो ये जा रहा पानी, ये देखो ये जा रहा है, ये सारा पानी आगे जा रहा है, बह के देखो सामने से जा रहा है, वो दिख रही है सामने आपको, जा रहा है ये पानी सारा निकल के आगे जा रहा है, यानी कि इस मंदिर के जस्ट नीचे से पानी जा रहा है निकल के तो इस नदी को, और ये आगे जाके नदी में मिल जाता है, इसीलिए इस नदी को बोलते हैं काली नदी, और यही है काली नदी का उद्गम स्थल। ये कैसा लग रहा है यहाँ पे आके भाई? मतलब एक ऐतिहासिक जगह पे आ रखे हैं हम लोग, मतलब जहाँ से काली नदी का उद्गम स्थल यार जिसे बोलते हैं, ऐसी जगह पे आना भाई अपने आप में भाई सौभाग्य की बात है यार। देखो कितना स्लो पानी है और आगे जाके कितने विशाल रूप ले लेता है, मतलब यहाँ पे देख रहे हो पानी, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये आ रहा है काली नदी का पानी, ये देखो मतलब पहाड़ी के नीचे से आ रहा है भाई ये पानी पूरा, ये देखो वो देखो वहाँ से मंदिर के नीचे से आ रहा है होते हुए, तभी बोलते हैं इसको काली नदी। अब ये पानी जो है उसमें मिल जाएगा नदी में जाके, जो ओम पर्वत ग्लेशियर से आ रही है, मतलब अब फिर इसको बोलेंगे काली नदी। हाँ जी मैम, कैसा एक्सपीरियंस है? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में। बताओ और कुछ? हमारे पास टाइम की कमी है, वरना हम थोड़ा बैठ सकते थे। सुबह यहाँ की मान्यता ना कुछ इस अनुसार है कि प्राचीन पुराणों के अनुसार महान ऋषि वेद व्यास जी ने मानव जीवन के कल्याण के लिए व्यास गुफा, यानी जो कि मंदिर के विपरीत दिशा के पर्वत पर देखी जा सकती है, तपस्या की थी, जिसके दौरान काली माता ने ऋषि के स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और उनसे माता के नाम पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा, जो अंततः इस क्षेत्र में हरियाली और उपजाऊपन में समृद्धि लाएगा। तो कुछ इस तरीके से है वो, मैं आप पढ़ लेना, मैं आपको मैं इसका फोटो डाल दूंगा, ठीक है। और वेद व्यास जी की गुफा जो है ना, काली माता का मंदिर तो ये रहा, और पहाड़ी के विपरीत दिशा में वेद व्यास जी की गुफा है, यानी कि ये सामने वाली पहाड़ी है पूरी, इसमें ही वेद व्यास जी की गुफा है, जो कि वो रही सामने ऊपर, वो देखो वो सबसे ऊपर वो कोने में हल्की सी छोटी सी दिख रही होगी, वो है वेद व्यास जी की गुफा सबसे टॉप में, वो उधर भाई कहाँ पे वेद व्यास जी बैठे थे यार बताओ, ने ऊंचे पर्वत पे जाके यार, मतलब कितनी शांत जगह पे वेद व्यास जी ने तपस्या की होगी कभी, तब जाके उन्होंने जन कल्याण के उद्धार के लिए ये वहाँ पे माता जी का मंदिर स्थापित किया होगा, और आज माता जी जो है जन कल्याण को आशीर्वाद दे रही हैं, यहाँ के लोगों का उद्धार कर रही हैं। टॉयलेट गए, हम लोग पहुँच चुके हैं काला पानी की चेक पोस्ट पे, और यहाँ पे हमारी एंट्री चेक हो रही है, मतलब हमारा पास चेक हो रहा है इस पे। पानी पीना है? पानी पीना है? चलो अरे अरे कुत्ते यार बड़ा पीछे पड़ रहे हैं यार हमारे, तीन चार जगह पड़ गए हर रात के पीछे पड़ गए आने के कल हमारे पीछे भाई तीन चार कुत्ते लग गए थे, आज ही कैलाश की यात्रा पे हम लोग जा रहे थे रास्ते में भाई। काला पानी पे ना दो बार एंट्री हुई हमारी, एक बार हुई पास की चेकिंग और एक बार हुई हमारा सर नाम वाम लिखा गया खाली बस, और वहाँ पे भाई फौजी भाई ने ना हमसे पानी भी पूछा पीने के लिए, मतलब एक अच्छा जेस्चर है यार, ये बढ़िया लगा यार, आर्मी काफ़ी हेल्पफुल है यार, यहाँ की कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चल रहे हैं पर सीधे 7-8 किलोमीटर रह गया यहाँ से ओम पर्वत, यानी कि नाभिटांग, वहाँ से देखेगा ओम पर्वत के दर्शन। देखो यार कहाँ दूर टेंट लगा के रह रहे हैं यार वो लोग, पता नहीं लोग हैं आर्मी के लोग हैं पता नहीं, तो लग रहा है लद्दाख में घूम रहे हैं हम तो पहले किसी ज़माने में भाई वो वाला पुल हुआ करता होगा, वो देखो सामने है ना, अब वो पहाड़ी आगे मलबा वलबा आ गया होगा तो उस चक्कर ने बंद कर दिया उसे, नया वाला बना दिया। ये कैंपिंग साइट है भाई, आर्मी का नहीं है भाई, ये नॉर्मल है, आप यहाँ पे रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो आराम से, हो खाने पीने की सुविधाएं सभी उपलब्ध हैं यहाँ पे, अगर आप अपना कैंप नॉर्मल अपना भी कैंप लगा सकते हो भाई यहाँ पे कहीं भी, कितना बड़ा लैंड है भाई ये देखो। यार गाड़ी बार बार बंद हो रही है भाई ढाल पे, पता नहीं यार क्या दिक्कत आ गई इसके अंदर, स्टार्ट ही नहीं ले रही अब तो, उफो हे भगवान, हो गई हो गई हो गई भाई, इस रास्ते पे जा भाई, आपकी परीक्षा तो होगी होगी, आपकी गाड़ी की बहुत ज़्यादा परीक्षा होगी, तो आपसे ज़्यादा आपकी गाड़ी को प्रिपेयर होना पड़ेगा भाई ऐसे रास्तों के लिए, तो यहाँ पे आके ना भाई हमारी धन ना भाई कुछ ऐसी ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रही है कि मुझे ना अब डाउट सा हो रहा है कि यार कभी भी ना ब्रेक डाउन हो सकता है इस गाड़ी में, क्योंकि यार क्या ना साइलेंसर का नट जो है ना वो निकल गया है,
और इसका साउंड ना बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है। तो अभी दूसरे गियर में ना ऊपर चढ़ने में दिक्कत ले रही है, अब पहले में चढ़ाना पड़ रहा है मुझे। अब यार समस्या कोई बड़ी पैदा ना हो जाए, बस उसे इसी बात का डर है बस। यार हल्की सी रेस छोड़ती ना बंद हो जा रही है गाड़ी, है हल्की सी रेस छोड़ते ही गाड़ी बंद हो जा रही है यार। मतलब इसका ना कुछ तो मतलब क्लच का वायर में दिक्कत हो गई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है कि क्लच छोड़ते ही हल्का सा गाड़ी बंद हो जा रही है। मुझे ऐसे लग रहा है क्लच ना इसका ढीला हो गया है। और दे हल्का छोड़ना क्लच तुरंत बंद हो जाएगी। अरे हाथ से टाइट नहीं होगा ना ऐसे, नीचे गुंजी में करा लेंगे यार, है ना। चलो ठीक है यार, ये जगह ना भाई सेफ नहीं है भाई, यहाँ लिखा पत्थर गिरने का खतरा है, यहाँ ना रुके। ऊपर से आ सकता है पत्थर, आ जाओ क्लच की वजह से भाई गाड़ी मेरी बार बार बंद हो रही है। और एक बार बंद हो जाती है ना तो स्टार्ट नहीं होती यार काफ़ी देर तक, 4-5 सेल्फ ले रही है स्टार्ट होने में। मतलब कुछ तो दिक्कत हो रही है यार गाड़ी के अंदर, क्योंकि यार हम लोग ना लगातार 3 दिन से ऐसे रास्तों पर बाइक चला रहे हैं। आज हमारा 3रा दिन है ऐसे रास्तों पर। आप लोग सोच सकते हो यार कितना ज़्यादा सहन कर रहे हैं यार हम लोग इस रास्ते पे, मतलब इतना ज़्यादा कभी नहीं चलाई गाड़ी। ओ भाई ओम पर्वत आ गए हम लोग, वो है सामने ओम पर्वत। अभी तो नहीं दिखेगा, अभी रुको बादल हटने दो, थोड़ा सा बादल हटेगा फिर दिखाएंगे आपको ओम। भाई बादल हटने दो, अभी दिखाता हूँ आपको ओम। वो वाला पहाड़ी है सामने वाली बीच वाली, हाँ बर्फबारी वो बीच की, ये एक तो ये हो गई, इसके बगल वाली जो ऊंची चोटी है वो ओम है वहाँ पे बिंदास वाले। ये ओम पर्वत देख लिया और क्या, अभी हमें हल्का देखा, अभी हल्की झलक दिखी हमें बस। मैं आपको हाँ अभी चलेंगे, क्योंकि मैंने उसको बोला ना कि मतलब ध्यान रखियो अभी ओम पर्वत आने वाला है, तो इसने ध्यान दिया बिल्कुल। फिर मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ओम ही है वो। भैया आप सबसे पहले घर जाके एक काम करें, इसकी टक्कर की कोई एफजेड की टक्कर की बाइक ले। यार ये गाड़ी यार धोखा दे रही है भाई, हल्की देर छोड़ दी बंद हो जा रही है, मतलब क्लच ढीला हो गया बस उसी वजह से। अरे यार कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी भाई, हमने अपने धनों को वैसे ही बुरा भला बोल रहे थे, पूरा क्लच ना ढीला होया पड़ा था आराम से। यहाँ से ना भाई ये पूरी तार ना ढीली हो गई थी, तो उस करके ना भाई ये गाड़ी ना इंजन की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी पूरी ढाल पे। आओ बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी भाई, बस हमारी धनों भाई बहुत ख़तरनाक है यार, बहुत जान है इसके अंदर। खामा खाई में हम अपने धनों को बुरा भला बोल रहे थे, माफ़ करना धनों, क्लच की वजह से यार ये गाड़ी ना ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, दम नहीं ले पा रही थी। अब मैंने क्लच को ना यहाँ से ढीला करके थोड़ा टाइट कर दिया है, तो अभी क्लच मेरा पूरा आगे जाके छूट रहा है, आगे मैकेनिक मिलेगा तो उसे सही करा लेंगे। फिलहाल आगे जाके चेक करते हैं आप गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, फिर मिलते हैं आपसे। देखो पूरा क्लच छोड़ने पे गाड़ी उठ रही है, देखो आप तो देख दूसरे गियर में भाग रही है, दूसरे गियर में भाग रही है अब तो। एक ही भाई पहले ना दूसरे गियर में दम ले रही थी, भाग रही चकाचक, थोड़ी सी जो लग रही है हाँ कमी फील हो रही है, क्योंकि क्लच अभी पूरी तरह से सही नहीं हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे कि हल्की सी मतलब दूसरे गियर में जान पूरी नहीं लगा पा रही गाड़ी, लेकिन बादल लग गया यार फिर से। किस्मत भाई, किस्मत वालों को दर्शन होते हैं भाई बड़े को बढ़िया वाले, हम किस्मत वाले होंगे तो दर्शन हो जाएंगे अच्छे हमें अभी, वरना हम अपनी अगली बार किस्मत आजमाएंगे। रेस भाई छोड़ रहा हूँ ना तुरंत गाड़ी बंद हो जा रही है, योद्धा आ रही है भाई टाटा वालों की, आधे वाले जा रहे थे भाई अंदर। अरे बाप रे, अरे भयंकर, अरे बड़े पत्थर हैं यार इस वाले पूरे रास्ते पे। गाड़ी ने भाई माइलेज पता कितने का दिया, 18-20 का माइलेज दे रही है बस, 2 डंडियाँ रह गई हैं बस। बाहर चला था पूरी फुल करा के लाए थे, मुश्किल से अभी कितनी 200 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चली है। तो भाई कोई तो चेक पोस्ट मतलब आई है, और शायद इसके आगे हमें ना जाने दिया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ भाई पूरी जानकारी। फिलहाल तो मैं भी कैमरा कर लेता हूँ बंद। सो आगे भाई फाइनली हम लोग लास्ट चेक पोस्ट पे, मतलब जो है ये है अपना नाभी ढांग,
और यहाँ से आगे आप लोग को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि यही है लास्ट चेक पोस्ट और जहाँ पे आपकी एंट्री होगी। और इसके आगे है लिपू लेक दर्रा, जो कि आपका आगे चाइना बॉर्डर तिब्बत बॉर्डर पर जाकर मिलता है, तो इससे आगे आप जा नहीं सकते। तो यहीं पर बाइक हम लोगों को लगा दी है पार्किंग में। तो हम जा रहे हैं अभी ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर ट्रैक करके, यानी कि एक से डेढ़ किलोमीटर का ट्रैक है, तो वहाँ तक जा रहे हैं हम लोग। वहाँ से अच्छा व्यूज़ आता है बोलते हैं ऐसा करें। तो ये आ रहे हैं पीछे पीछे हमारे दोनों महान आत्माएं। मैं ऊपर ना फोटो लोगे तो नीचे कैंप आर्मी वाला वो मत लेना। ठीक है, वैसे लेते तो नहीं है, वैसे भी हाँ लेते नहीं है, कह दिया गुरु फिर भी मैं याद दिला दिया। ठीक है, नहीं सही कहा उन्होंने ये बात, ऊपर आर्मी का कैंप है तो वहाँ फोटो नहीं लेना है। तू तो भैया सबसे ज़्यादा टॉयलेट आती है, सर सबसे ज़्यादा टॉयलेट सबसे ज़्यादा से आती है रास्ते में, 50 बार तो गाड़ी रुकवाती होगी रास्ते में। फिर से एक और ट्रैक, छोटा सा सही लेकिन ट्रैक है भाई, दर्द हो रहा है भाई टांगों में अब तो। बोले भाई ट्रैक जो है ना 1 किलोमीटर का नहीं है, 100 मीटर का है मुश्किल से। बस देखो सामने से आ रहे हैं हम लोग, वहाँ से बस ये आ गए, यहाँ पे आगे ट्रैक खत्म हो गया। यहाँ पे आधे घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं लेकिन ओम पर्वत के दर्शन नहीं हुए हैं अभी तक हम लोगों को। हम लोग बैठे हुए हैं भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं बैठे हुए, और भगवान का ध्यान भी कर रहे हैं बीच बीच में, फोटो भी खिंचा रहे हैं मतलब, लेकिन ओम के दर्शन नहीं हुए भाई अभी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ओम की ना जो ओम की ना ऐसे वाली आकृति होती है ना, ये वाली आकृति ऐसे करके ऐसे वो दिख रही है बिल्कुल जड़ उसकी, वो थोड़ा सा बादल और ऊपर को हो जाए ना पूरा ओम दिख जाएगा। वो देखो नीचे भाई भोले का जाप कर रहे हैं, नीचे काफ़ी सारी गाड़ियाँ बाइकर्स आ चुके हैं, और एक गाड़ी नीचे गई, वो बेचारे बहुत देर से बैठे हुए थे वो लोग नीचे चले गए, और हम लोग नीचे जा रहे हैं बस, थोड़ा खाएंगे पियेंगे फिर ओम के दर्शन करेंगे, थोड़ा सा बादल और हट जाए फिर ओम आ जाएगा पूरा। क्या बोलते हैं हनी साहब? चलो भैया देखे क्या करते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा कर लो, इतना कर लिया तो, इतना कर लिया तो सही बात, दूर आए भी हैं तो। महादेव महादेव महादेव। ये भाई लोगों अभी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ के अपोजिट साइड में ना एक नाग पर्वत है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा नाग पर्वत, लेकिन अभी ना बादल से घिर गया है पूरा नाग पर्वत, सामने की तरफ में है नाग पर्वत। मैंने काफ़ी वीडियोस में भी देखा था, लेकिन जैसे ही अंकल ने बताया ना कि नाग पर्वत इधर है, तो मेरे को तुरंत याद आ गया कि हाँ यार ये चीज़ तो मिस कर देते हम लोग। सामने की पहाड़ी पर है नाग पर्वत और सामने की पहाड़ी पर है ओम पर्वत। ओम पर्वत तो ये बादल घिरा हुआ है, नाग पर्वत से भी बादल घिरा हुआ है, तो वो दोनों में से कोई सा पर्वत नहीं देख पा रहे यार हम आज। बहुत ही किस्मत मतलब नहीं है किस्मत में भाई, क्या कर सकते हैं। एरिया है ना ये जिसे बोलते हैं ना नाभी ढांग, तो आप लोग देखो सामने वो एरिया दिख रहा है आपको, उठा हुआ ठगोसा हल्का सा ना, जैसे हमारी नाभी होती है ना पेट की, वो उसी आकार के आया वो एरिया, ये सामने दिख रहा है आपको, उसी को बोलते हैं नाभी, ऐसे करके उभरी हुई है ना पहाड़ी के बीच में। सामने वो घाटी है मतलब पहाड़ी है पूरी, और बीच में वो एरिया ना उठा हुआ नाभी की तरह, तो इसीलिए इस एरिया को बोला था नाभी ढांग। मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यार यहाँ पे आ गए, मतलब धीरे धीरे ना चीज़ें पता चल रही हैं, नाग पर्वत पता चला, नाभी ढांग पता चली, मतलब नाभी का आकार का, ओम पर्वत तो पता ही था हमें, बाकी और कुछ होगा तो वो भी दिखा देंगे, फिलहाल ये 3-4 चीज़ें मालूम चली हमें। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है यार, क्वाइट इंटरेस्टिंग प्लेस यार, और कुछ मिलेगा देखने को दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि नीचे जाएँ कि रुकें यहाँ पे। कितने लोग खड़े हैं यार दर्शन के लिए, ये देखो संजय सर दिख गया, बोलो हर हर महादेव। देखो भाई ओम दिख गया वहाँ पे, जल्दी आओ फटाफट, यही तो है सामने, ऐसे ऐसे थोड़ा बर्फ कम गिरी है उसके ऊपर तो दिख नहीं रहा है बस, हाँ हल्का सा बादल और हट जाएगा ऊपर वाला, पूरा क्लियर दिख जाएगा भाई 100% भाई। ओए होए खतरनाक भाई, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, मानते हो सवा ग्यारह, खतरनाक भाई भोले ने दर्शन दे दिया आपकी टाइमिंग के हिसाब से। क्या बोला था? 11:15 का टाइम। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमने डेडलाइन दी थी भाई भोले ना 11:15 में 11:30 दर्शन दे दो तो दे दो बस, उससे ज्यादा नहीं रुकने वाले आज हम यहाँ पे भाई, पूरे क्लियर दिख गया अब तो भाई, खतरनाक इतनी आसानी से मिल जाते तो बात ही क्या थी। सही बात है, इतनी कठिनाइयों से आए हैं हम लोग ऊपर करते हुए ट्रेवल, खतरनाक यार। अभी तुम्हें क्लियर नहीं हुआ ना, सोच
चलते हैं भाई हम नीचे, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और हम लोग नीचे पहुँचने भी हम लोग को धार चलो टाइम से, तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से। तुमने क्या लगा रखा था हेलमेट गाड़ी में? तभी तो बेटे नहीं गया तुम्हारा हेलमेट। चलो भाई बाइक उठाओ और चलो नीचे टाप दो गाड़ी। सो ऑलराइट, हम लोग काली माता के मंदिर में फिर से पहुँच चुके हैं और हम लोग ना एक पेड़ देख रहे हैं जिस पेड़ में धूपती खुशबू आती है ना, वो यहाँ पे ना भाई एक ऐसी घास पाई जाती है जिसपे से ना भाई जो हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं ना धूप की खुशबू आती है नेचुरल, तो वो घास जो है हम लोग लेने जा रहे हैं। चलो जैसे आई थी भाई इस वाले लॉन में आते ही ना यार मुझे खुशबू सी आने लग गई है, पता नहीं किस किस चीज़ की खुशबू आ गई है भाई। ये जड़ी बूटियाँ हैं यार सारी की सारी, अब पता नहीं कौन सी किस रोग में काम आती हो, पता नहीं कैसी सी अजीब सी खुशबू नहीं आ रही है मेडिकल दवाइयों की, है ना। ये है वो पौधा जिसमें से धूप की खुशबू आती है। हाँ हाँ देख आ रही है, देख देख सूंघ के देख देख देख, थोड़ा रगड़ थोड़ा उसको रगड़ हाथ पे फिर देख। आई मेरे हाथों में बस गई, यही है ना भैया, हेलो यही वाला है ना। हाँ यही है भाई, इसकी टहनी तोड़ लो, जड़ से उखाड़ना मना है, यानी कि जैसे ये जड़ है ना ये उखाड़ना मना है, टहनी तोड़ सकते हैं हम इसकी। नीचे नहीं था मैं सुबह ही तो आया, ये कह रहे हैं ना बहुत आने रास्ते ये बारिश, बस नीचे नहीं है बारिश, बल्ले कह रहे हैं आज हम लोग धार पहुंच जा सकते हैं आराम से। अच्छा ये क्या दिखाया आपने, क्या था इसमें? ये इसको और जब तुम तोड़ के लाए दोनों का सुबह के जलाने से मतलब खुशबू आती है, दिखाना पूजा भी होता है। ये कहाँ मिलेगी हमें इस पेड़ पे, पहाड़ी पे? कहाँ पे ओम पर्वत पे। अच्छा ये ओम पर्वत मिलती है आपने हमें दी है, ये तो आप कहाँ से लेके आए? मैं वहीं से लाया ओम पर्वत से। ओम पर्वत जाने देते हैं यार, क्यों नहीं, मैं तो जाता ही हूँ ओम पर्वत, मतलब ऊपर नहीं तो नीचे, दुकान के नीचे। अच्छा दुकान के पास पास से, मुझे ओम पर्वत के पास जाके मतलब मिलती है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो मतलब ये जो है इसको क्या बोलते हैं, गोकुल धूप ये है, और वो जो हम लाए तोड़ के इसको सुखा के जलाने पे आती है ना, ये नहीं ये कुछ नहीं है, ये है ये वाला, ये है उल्टे सीधे मसूम बेहोश हो जाए, बदबू है वो इस्माइल कहीं बेहोश हो जाए क्या ले आइए तोड़ तोड़ के, सब बेकार है भाई, क्यों सुन उल्टी सीधी मच्छी जो सूंघ के बेहोश हो जाए यहीं पे। कशिश ना उल्टी सीधी चीजें सूंघे जा रही है, पता चल रहा है बेहोश होगा यहीं पे, क्योंकि जड़ी बूटियां भाई क्या पता कौन सी औषधि किस काम आती है कोई मालूम नहीं हमें। ये गोकुल धूप है, ये ओम पर्वत मिलती है, इसको इसको मिक्स करके सुखा के जलाने पे बिल्कुल खुशबू आती है धूप की, बिल्कुल खतरनाक वाली, दोनों को करके कोयला होने के बाद जो खुशबू आती है, कोयला होने के बाद नहीं जलते जलते आ जाएगी। हाँ, वो धुआं निकलते हैं। पेड़ गुफा जी गुफा में वो डंडा सा लगा हुआ है, वो कौन लगाने गया वहाँ पे? झंडा है ITBP, ITBP वाले ने झंडा लगाया। हाँ वो झंडा है देखो ऊपर अंदर, उसने झंडा लगाया ना उसके 10 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। ओ भाई साहब के इस समय बज रहे हैं 5:30 और हम लोग अभी धारचूला से मुश्किल से मुश्किल 30 से 35 किलोमीटर दूर हैं, हम लोगों ने आधे से ज़्यादा कवर कर लिया ऑलमोस्ट, तो चलते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं यार। भाई शरीर की हालत देखोगे कैसी हो रही है भाई, रेनकोट पूरा गंदा हो गया भाई, देखो खतरनाक, ये देखो भाई पैरों की हालत देखो, इधर वाले पैर की हालत देखो, ये भाई समस्या एक नहीं समस्या दो हैं, मतलब उस वाले बैंड पे भी ना पत्थर गिरे हुए हैं बहुत सारे। चलो फाइनली 15-20 मिनट के इंतज़ार के बाद रास्ता खुल गया है और निकलते हैं भाई अपन आगे। ओए धूम चले, अरे ये कौन आ रहा है भाई पेट्रोल उट्रोल लेके, देखिए राजस्थान से आए स्कूटी पे,
देख रहे हो भाई इस रास्ते की ब्यूटी। ये है भाई इस रास्ते की ब्यूटी, पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग, खतरनाक वाली वो भी। जो कोई बोले ना भाई कि भाई हमारी गाड़ी तो बड़ी जानदार है, एक बार इस रास्ते पे आ जाना भाई, सारे घोड़े खुल जाएंगे। अरे भयंकर देखिए बाहुबली वाला लग रहा है ये तो। अरे बेटे जय माता की बोल, जय माता की आज निकल गई भाई साहब। भाई क्या वाटरफॉल है यार, जबरदस्त भाई। ऐसी कीचड़ भाई पूरे रास्ते में मिली है हमें, मतलब पूरा 80 किलोमीटर जो हम कवर कर रहे हैं ना, ये ना पत्थर आके इस वाली मशीन पे गिरा और मशीन के हाल देखो भाई, भाई खतरनाक ही, मतलब पूरा भाई जो भी चला रहा होगा ना वो बच्चा तो नहीं होगा भाई, अगर इसके अंदर कोई होगा तो पूरी भाई यार डैमेज हो गई है, पत्थर गिरा हुआ उसके ऊपर आके, खतरनाक। और ये एक मशीन नहीं है भाई, कई सारी मशीन मिली है हमें पीछे, 3-4 JCB भी ऐसी डैमेज हो रखी थी पीछे रास्ते में। भींगेंगे टिंगरिंग निकाल दो निकाल दो निकाल दो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, दिखाई नहीं दिया कुछ भी। ओ भयंकर की, अरे बेटे अरे भयंकर की। हाँ ये वही वाला रास्ता है जो चढ़ नहीं पा रही थी गाड़ी कल, उनके भैया की एवेंजर जो फंस गई थी यहाँ पे, वही रास्ता है भाई ये। अरे बेटे ये देखो आप बैंड, और नीचे वाली रास्ता देखो भाई, जो पहले ना पहले वही रास्ता हुआ करती थी। क्या हालत हो रखी है इसकी, ड्राइवर साइड पे गिरा है पत्थर भाई, जो भी है ड्राइवर साइड से पत्थर गिरा, खत्म है भाई ट्रक पूरा। तो भाई साहब ये देखो मशीनों की हालत देखो, इसकी हालत देखो, इसकी हालत ऐसे टूटी पड़ी है भाई मशीनें ऐसे। ये वाली मशीन भी देखो खत्म है भाई, देखो जरा सी भाई ठीक रोड आती नहीं है, फिर से गंदी रोड शुरू, एक बार फिर से मड में घुसना पड़ेगा। यार इस रास्ते पे तो भाई अच्छे रोड को तो भूल ही जाओ, अच्छे रोड नहीं मिलने के भाई इस रास्ते पे कई सालों तक। 3 दिन से भाई इसी रास्तों पे गाड़ी चला रहे हैं हम, इन्हीं खड्डों में, अड्डे खड्डे अड्डे खड्डे। गाड़ी भी कह रही होगी भाई कहाँ ले आया, तो वो देखो कितना खूबसूरत वाटरफॉल है, जबरदस्त वाह। और नेपाल का है वो, नेपाल का। तो फाइनली 4 घंटे की मशक्कत के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं तवा घाट, और यहाँ से जो हमारे धार चूल्हा रह जाएगा वो रह जाएगा 20 किलोमीटर्स। यहाँ पे खाने पीने की दुकान है कहीं पे, मैगी वगैरह मिल जाएगी आगे, किधर आगे थोड़ा, वीडियो लोग बैठे हैं यहाँ पे। हाँ 100 मीटर वाला पीछे पड़ रहे हैं यहाँ के, अभी हम लोग ना नारायण आश्रम की और धारमा वैली वाली रोड पे ही हैं भाई। एक नंबर की खतरनाक रोड है यार ये भी, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है तो अभी हम लोग आ रहे हैं, जिससे टूटी फूटी गड्ढे वाली खतरनाक सी। यहाँ पे मिल जाए यार कुछ खाने को, अरे हनी की दुकान अभी तवा घाट, यहाँ पे मैगी वगैरह खाने को कहाँ मिलेगी, बन जाएगी। और पराठे, पराठे बन जाएंगे आलू के। तो कहाँ पे आ गए हम लोग, तवा घाट धारमा वैली। कितने बज रहे हैं 6, कितना रह गया 20। भाई तवा घाट आ गए और 20 किलोमीटर रह गया अभी, कुछ खा पी रहे हैं, सुबह तक खाया नहीं था कुछ भी, चाय के भरोसे चल रहे थे। ओम पर तो चाय पी थी लास्ट टाइम, नहीं नहीं होम स्टे पी थी लास्ट टाइम, उससे पहले ओम परोते पी थी, चाय पे चले। सुबह तो 3-4 बजे आए, कोई खाना कुछ नहीं खाया, बिस्किट बस। ये पत्थर आ गया आगे तो भाई धार चूल्हा में पहुंचने के बाद ये स्वागत हुआ है हमारा।
ऑलमोस्ट हाथ जुला पहुँच ही गए हम लोग, बस एक किलोमीटर रह गया यहाँ से। दारचूला ये आ गए अपन दारचूला, वो देखो नेपाल, इज वेलकम टू दारचूला। ओके वेलकम वेलकम। तो क्या आइडिया है सर जी? अब पिथौरागढ़ चलते हैं, दो तीन घंटे और चलाएं। पिथौरागढ़ है 94 किलोमीटर यहाँ से। लग गया क्या? दूसरा उत्पादन